कृषि जय संविधान, जय जवान जय किसान, जय हो कृषि जय संविधान। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जितनी जिसकी संख्या भारी। उस समय का सर्वाधिक इनाम 19,000 रुपए, जो कि आज मेरे ख्याल से लगभग 1900 करोड़ बराबर होगा, वो इनाम उस पर रखा गया था। और पुलिस रेगुलेशन एक्ट आया भारत में, वो राजा हृदय शाह लोधी की 42 की क्रांति की देन है। और उस क्रांति की शुरुआत जो थी बुंदेला लोगों ने की, नेतृत्व लोधी लोगों ने किया, उसमें सहयोग जो था गौण राजगौण जो यहाँ के आपके मदनपुर ढिलवा नरसिंहपुर जिले में है, यहाँ के लोग थे नरवर शाह और ढेलन शाह, आपके हमारे मानगढ़ जगह है दमोह जिले में राजा भोज सिंह, वो भी गौण राजगौण थे। और उस समय हमीरपुर राठ से एक बीके सिंह, डॉक्टर बीके सिंह लोधी हैं, उनके पूर्वज लड़े थे। आपके अभी देवरी का एक परिवार बताए कुर्मी समाज का, उनकी कुर्बानी उसमें हुई कुर्मी समाज की। और मुस्लिम समाज से आपके जो भोपाल के जो नवाब थे वो मुस्लिम समाज से लड़े थे राजा हृदय शाह लोधी के नेतृत्व में। और वो मुस्लिम परिवार 1842 की क्रांति में लड़ा और फिर 1857 की क्रांति में भी लड़ा। तो मुसलमानों का भी इसमें पूर्ण योगदान रहा है इस देश को आज़ाद कराने की लड़ाई में। आज ये इतिहास दबा दिया गया है, इस इतिहास को लोग नहीं जानते। और पूरे भारत के लिए बुंदेलखंड की मिट्टी से देश की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हुई थी। और आज भी इस देश में पिछड़ा वर्ग हरिजन आदिवासियों को उनका संपूर्ण अधिकार दिलाने की लड़ाई बुंदेलखंड की मिट्टी से ही चालू हो रही है। और इस बुंदेलखंड की मिट्टी में इतनी ताकत है कि इस मिट्टी ने जो ठाना है वो उसने पाया है। इस बात को आप लोग अपने जहन में और दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर ये शुरुआत यहाँ से हुई है तो ये शुरुआत अंजाम तक पहुँचेगी। अभी हम लोगों को मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण मिल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है 27% पूरे देश में मिलना चाहिए, परंतु हमें नहीं मिल रहा। इसको 14 से 27 होके 54% पूर्ण रूप से होना चाहिए। हम लोग इस बात का स्वागत करते हैं कि गरीब सवर्णों को 10% जो आरक्षण दिया गया है वो पूर्ण रूप से न्यायोचित है, और वो आरक्षण उनको मिलना था और बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, परंतु वो काफ़ी लेट मिला, परंतु ठीक है मिल गया। अब आपको जो सवर्ण वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, वो
हरिजन आदिवासी पिछड़ा वर्ग की वोटों के आधार से चुन के जाते हैं, तो ये आपका प्रथम दायित्व बनता है। पूर्व से भी आप समाजों का नेतृत्व करते रहे हैं, इन समाजों को आपने हमेशा दिशा दी है और दशा दी है, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप सर्वप्रथम इस विषय को खड़ा कीजिए और इस बात को सहमत होइए कि हाँ, ये आरक्षण इन वर्गों को मिलना चाहिए। आप वहाँ बैठ के सिर्फ अपने वर्गों की सुविधा के आरक्षण लेके आ गए, परंतु जिन जो प्रमुख वर्ग है, जो 90% है इस देश का, जो 120 करोड़ है, 132 करोड़ का टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की, 120 करोड़ यहाँ पर एसटी एससी और ओबीसी वर्ग है, मुस्लिम वर्ग है, उन वर्गों का जो समुचित आरक्षण है, और ये सारे लोग जो आपको चुन के भेजते हैं, ये आपका दायित्व है कि आप इसके लिए वहाँ पर ये बात रखिए और इस आरक्षण को लेके आइए और न्याय की बात करिए। मैं यहाँ देवरी विधानसभा से काफ़ी लोग पधारे हैं, दमोह से लोग आए हुए हैं, बंडा से लोग आए हुए हैं, सागर से लोग बैठे हुए हैं, हमारे कमल भाई साहब बैठे हुए हैं जो कि बहुत योग्य हैं, और मैं अब उनको माइक दूंगा तो वो कुछ अपने विचार रखेंगे। जय ओबीसी। जय ओबीसी। हम लोग सब अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, परंतु अपन एक पिछड़ा वर्ग वृक्ष मानकर चले, जो एक वृक्ष होने के बाद कई प्रकार की डालियां होती हैं, उन पर फल लगते हैं। हम उसी प्रकार से अन्य अन्य भागों में, अन्य अन्य समाज समुदायों में बटे हुए हैं, परंतु अपन एक वृक्ष की है, उस आधार पर अपन ओबीसी को वृक्ष मानकर चले, और अपन सब अलग अलग होने के बाद अपन एक रहें और इस ओबीसी की लड़ाई को अपन आगे बढ़ाएं, जिससे हम सभी वर्ग के लिए आरक्षण प्राप्त हो, जिससे सभी लोगों के लिए आरक्षण मिले, जिसमें हमारे सभी एससी ओबीसी और हरिजन आदिवासी मुस्लिम वर्ग सभी को सही जगह प्रतिनिधित्व करने को मिले। भैया आप भी अपना जितेन के घर आप रिछई पंचायत से हूँ, देवरी ब्लॉक में आती है। जय ओबीसी। जय ओबीसी। मैं भगवान सिंह पटेल, देवरी ब्लॉक ग्राम सुना से, जनपद सदस्य। ओबीसी को अपनी संख्या के अनुपात राष्ट्रीय ओबीसी
24 महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद। आज 24 महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जय जवान जय किसान जय ओबीसी जय संविधान जय।